90 विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद पहले चरण का मतदान होना है और इस मतदान से पहले कांग्रेस और बीजेपी में राज्य भर में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को होने वाले मतदान का नतीजा 3 दिसंबर को सबके सामने होगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ की लोरमी विधानसभा में चुनावी बयार का असर देखने को मिल रहा है। लोरमी विधानसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में सभी राजनीतिक दल कमर कसकर एक दूसरे को पटखनी देने की रणनीति बना रहे हैं। मुंगेली जिले में बनी लोरमी विधानसभा सीट इस बार चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी ने लोकसभा सांसद अरुण साफ को मैदान में उतारा है, जहां उन्हें कांग्रेस के थानेश्वर साहू चुनौती पेश करेंगे। पिछले चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लोरमी सीट पर जीत मिली थी, वही इस बार धर्मजीत जोगी ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसके कारण लोरमी विधानसभा अब त्रिकोणीय के जगह 5 कोणीय चुनाव हो गया है। खाली हुई सीट पर मोर्चा संभालते हुए जनता कांग्रेस के प्रभावशाली नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहे मनीष त्रिपाठी मैदान में उतरने के लिए तैयार थे, लेकिन टिकट कटने से नाराज हुए मनीष अपने कार्यकर्ताओं के साथ निर्दलीय मैदान में उतरे। स्थानीय का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और तीनों ही पार्टियों ने, दोनों राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी ने भी लोरमी विधानसभा में लोरमी के कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ गद्दारी की है। 2 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो लोरमी से बाहर के हैं और तीसरा प्रत्याशी ऐसा है जो पैसे के दम पे टिकट खरीद करके दूसरे के हक को मारा है। हम जनता के पास जा रहे हैं जनता से न्याय मांगने के लिए और लोरमी के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए हम आज स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में फॉर्म दाखिल किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सतनामी समाज से हमारे सभी सम्मानी हमारे साथ हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं। वहीं लोरमी विधानसभा में आरक्षण और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ शासन से हक की लड़ाई लड़ने वाले संजीत बर्मन को समाज की ओर से वोटरों ने चंदा वसूल कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में उतारा। मैं अपने समाज का हक अधिकार की बात आज तक करते आया हूँ। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे अनगिनत लोग नौकरियां कर रहे हैं। हमने सरकार से मांग किया कि हमारे हक अधिकार को लूटने वालों को गिरफ्तार करो, उनको बर्खास्त करो, उनकी संपत्ति को जब्त करो और उन संपत्ति को वंचित वर्ग के हित में लगाओ, लेकिन सरकार ने बदले में हमारे साथ मारपीट किया। हमें जेल में डाला। 29 साथी मेरे समाज के 29 साथी जेल में 56 दिन तक बंद थे। इस तरीके से सरकार ने हमारे मनोबल को तोड़ने का काम किया, जब शांतिपूर्ण तरीके से। वही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे लोरमी के कद्दावर नेता सागर सिंह बैस कांग्रेस से नाराज होकर जनता कांग्रेस का दामन थामते नजर आए। निर्दलीय प्रत्याशियों और जनता कांग्रेस के प्रत्याशियों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी स्थानीय नहीं है और बाहरी लोगों को प्रत्याशी बनाकर सर पर थोपना बिल्कुल गलत है, इसलिए इस चुनाव में स्थानीय वर्सेस बाहरी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। नेता मन आपसी बंटवारा कर लेते ओखर चक्कर में जिन जायज कैंडिडेट है जिन जिताऊ कैंडिडेट है उपेक्षा होते रही तो लगातार इसलिए चलत रही से मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हूँ रहे हूँ और मोला जब वह इस बार की भी 2023 में भी बहुत ही मजबूत दावेदार रहे हूँ। मैं एक बार निश्चित रूप से लोरमी विधानसभा में जब भाजपा के प्रत्याशी रही से जब भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रही से ओला हराए के एक से अच्छा अवसर नहीं रही से, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी केवल और केवल आपसी टिकट बंटवारा में जन आपसी बंदर बांट के चक्कर में लोरमी विधानसभा आज खो दी। आज वही बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से साहू समाज के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले अरुण साफ को यहां से उतारा है। इस सीट पर करीब 30,000 साहू वोटर्स हैं, जबकि 50,000 के करीब अनुसूचित जाति के वोटर्स चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा करीब 18,000 आदिवासी वोटर्स भी यहाँ पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरेगा न झुकेगा। छत्तीसगढ़ के शांति के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव के मैदान में उतरी हुई है और जिस प्रकार से जनता का रुझान है, निश्चित रूप से जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी आप देखेंगे कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। बीजेपी ने लोकसभा सांसद अरुण साफ को मैदान से उतारा है तो कांग्रेस ने थानेश्वर साहू को दावेदार बनाया है। अब लोरमी विधानसभा के 5 कोणीय चुनाव में सभी जीत का दावा कर रहे हैं। हम सभी लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं।
कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और जोश है। सारे लोग मन बना चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट विजय कराएंगे, और निश्चित रूप से मुझे भी पूरा विश्वास है कि इस दफे हम यहाँ पर कांग्रेस को विजय कराएंगे, कांग्रेस को विधायक। लोरमी सीट के पिछले तीन चुनावों के परिणाम पर नजर डालें तो हर बार किसी दूसरी पार्टी को ही जीत मिली है। 2008 में कांग्रेस को यहां से जीत मिली थी। लोरमी सीट पर 2008 के चुनाव में कांग्रेस धर्मजीत सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार जवाहर साहू को हराया था। 2013 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी तौखेन साहू को जीत मिली थी। तौखेन साहू ने कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मजीत सिंह को कड़े मुकाबले में हराया था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर धर्मजीत सिंह जेजेपी में चले गए और उसके टिकट पर जीत हासिल की। इस बार लोरमी सीट पर मुकाबला कड़ा होने वाला है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कौन होगा लोरमी का किंग मेकर और किसे लोरमी की जनता चुनेगी, जनता किसके सर पर ताजपोशी करेगी और किसको सिरे से नकार देगी, ये तो आने वाला 3 दिसंबर ही बताएगा। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर की रिपोर्ट, आज की खबर।